हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप लोगों को भी इस नई कहानी का इंतज़ार जरूर रहा होगा। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोज में कुछ व्यूअर्स ये पूछ रहे थे कि जो कहानियां इस चैनल पर दिखाई जाती हैं वो सभी काल्पनिक हैं या सच हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, इस चैनल पर एंडरसन और कॉर्बेट की जितनी भी कहानियाँ अभी तक मैंने सुनाई हैं वो सभी सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। एंडरसन और कॉर्बेट ने अपने जीवन भर जंगलों में बाघों के शिकार के दौरान जो अनुभव प्राप्त किए वो अपने अपनी किताबों के माध्यम से वो हमारे बीच लेकर आए, जिनको पढ़कर ही मैं ये कहानियाँ आप लोगों के बीच लेकर आता हूँ। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दक्षिण की एक जगह चित्तूर के अम्बलमेरू नामक गांव की। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि ये कहानी है आंध्र प्रदेश की। एक बार वहाँ अचानक से लोग गायब होने लगे, एक के बाद एक कई सारे लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते। सबसे पहले जो आदमी वहाँ से गायब हुआ था उसका नाम था कोठंडा रेड्डी। वो जंगली जड़ी बूटियों को खरीदने बेचने का काम किया करता था। जंगलों से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके वो उनको सुखाकर पीसकर पाउडर बनाता और लोगों को महंगे महंगे दामों पर बेच देता। ये काम करते करते उसको कई साल बीत गए थे, जिसके वजह से उस क्षेत्र में उसका काफ़ी नाम हो गया था। एक दिन वो एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी को लाने के लिए घर से निकला। उस जड़ी बूटी को जमीन से खोदकर निकाला जाता था। ये जड़ी बूटी उसके घर से काफ़ी दूरी पर मिलती थी, जिसकी जड़ को धूप में सुखाकर पीस लिया जाता था, जिसकी कीमत बाजार में ऊंची दामों में थी। वो अपने घर से निकला तो सही, लेकिन दो दिनों तक वापस नहीं लौटा। उसके घर वालों ने पहले दो दिन उसकी खोजबीन नहीं की, क्योंकि अक्सर ही जब वो गांव से बाहर दूर जड़ी बूटियां लेने निकलता तो दो चार दिन बाद ही लौटता था। लेकिन जब कई दिनों तक वो वापस नहीं लौटा तो उसके घर वालों को उसकी चिंता हुई। उसकी खोजबीन कई दिनों तक चलती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स जंगल में गश्त लगा रहे थे, तभी उनको जंगल में कोठंडा रेड्डी की टोपी मिली, जो बांस की बनी हुई थी और आकार में बहुत बड़ी थी, जिसका उपयोग धूप से बचने में किया जाता था। और उन गार्ड्स को वहाँ कोठंडा रेड्डी का बैग भी मिला, जो कई सालों से वो अपने साथ लेकर चलता था। फॉरेस्ट गार्ड्स कोठंडा रेड्डी को बहुत सालों से जानते थे। वो उसकी गिरी हुई टोपी और बैग देखकर पहचान गए कि ये टोपी और बैग उसी का है। वो लोग ये भी जानते थे कि कोठंडा रेड्डी कई दिनों से लापता है। उन्होंने वहाँ और खोजबीन की, लेकिन उनको वहाँ कुछ और नहीं मिला। इस घटना के कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। एक बैलगाड़ियों का काफिला एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में थकान लगने के कारण वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। वहाँ पास ही साफ पानी का एक सोता था, जिससे पानी पीकर सबने अपनी प्यास बुझाई और वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। कुछ लोग शौच करने के लिए पास ही झाड़ियों के पीछे चले गए। आधा एक घंटा आराम करने के बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन उन लोगों ने ये नोटिस किया कि उन लोगों में से एक आदमी कम है। कुछ देर तक उन्होंने उस आदमी का इंतजार किया, लेकिन फिर वो आगे बढ़ चले। उन्होंने सोचा कि वो आदमी शायद शौच करने के लिए कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया है। उन्होंने उसके बैलों को भी वहीं पर छोड़ दिया। बैलगाड़ी पर बैलों को जैसे बांधा गया था वो वैसे ही वहाँ खड़े रहे। चूँकि बैल भी गांव का रास्ता जानते थे, शाम होने पर वो दोनों बैल अपने मालिक को बिना साथ लिए वापस गाँव में पहुँच गए। गाँव वालों ने देखा, ये क्या, बैलगाड़ी का मालिक अभी तक वापस नहीं लौटा है, जबकि उसकी बैलगाड़ी उसके बगैर ही गांव में आ गई है। अगले दिन वो लोग जिस जगह पर आराम करने के लिए रुके थे वहां के आसपास उसके गांव वालों ने उस आदमी को बहुत खोजा, लेकिन
उन लोगों को वो आदमी नहीं मिला, ना ही उसका कोई सामान या फिर कपड़े ही मिले। धीरे धीरे उस गांव के आसपास ये बात फैलने लगी कि आसपास की जगहों से आदमी गायब हो रहे हैं। तीसरी घटना एक व्यापारी के साथ घटी। ये व्यापारी तेल, नमक, गुड़ इत्यादि चीज़ें बड़े बाजारों से खरीदकर गांव में बेचता था। वो गधों पर ये सामान ले जाया करता था। इसी तरह एक दिन ये आदमी अपने गधों को लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में चलते चलते वो थक गया तो उसने आराम करने की सोची। उसने गधों को घास खाने के लिए हाँक दिया। उस समय वहाँ की सरकार ने बांस के पेड़ों को कटवाने के लिए टेंडर दिया था। उस जगह काफ़ी अधिक मात्रा में बांस के पेड़ पाए जाते थे, इसलिए उसी टेंडर के अंतर्गत कुछ मजदूर वहाँ बांस के पेड़ों को काटने के काम में लगे हुए थे। उस व्यापारी ने वहाँ काम कर रहे एक मजदूर से पीने के लिए पानी मांगा। जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उन लोगों ने कटे हुए बांसों को बैलगाड़ी पर लाद दिया था। उस व्यापारी को पानी देने के बाद वो लोग आगे बढ़ गए और व्यापारी वहीं बैठकर सुस्ताने लगा। अगले दिन वो मजदूर फिर वहीं से गुजर रहे थे। जिस मजदूर ने उस व्यापारी को पानी पिलाया था उसने ध्यान दिया कि उस व्यापारी के गधे अभी भी उसी जगह पर चर रहे हैं जहां पर वो पिछली शाम चर रहे थे, लेकिन वो व्यापारी कहीं नहीं दिख रहा था। उस मजदूर ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में उस व्यापारी को पुकारा, लेकिन उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। फिर से एक आदमी वहां से गायब हो गया था। ये बात आग की तरह गांव में फैल गई। उसके कुछ दिनों बाद अगला आदमी जो गायब हुआ वो आदमी वही मजदूर था जिसने उस व्यापारी को पानी पिलाया था। एक दिन शाम को वो और उसके साथी मजदूर घर लौट रहे थे, लेकिन गांव पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि उनमें से एक मजदूर कम है। वो सभी लोग फिर से उसी रास्ते वापस गए जिस रास्ते से वो वापस आए थे। वो लोग इस जगह पर पहुंचे जहां पर वो शाम तक काम कर रहे थे। रास्ते में उन्हें उस आदमी की पगड़ी मिली और उसके पास ही दराती जैसा हथियार भी मिला जिसका प्रयोग वो लोग बांस काटने में किया करते थे, लेकिन उनके साथी मजदूर का कुछ पता नहीं चला। एक के बाद एक इतने आदमी रहस्यमय ढंग से गायब होते जा रहे थे। अब कई लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखने लगे। आप लोग जानते ही हैं गांव में अंधविश्वास का कितना बोलबाला रहता है। उसी गांव में एक तांत्रिक कह लीजिए या फिर पुजारी कह लीजिए रहता था जिसका नाम था कृष्णप्पा रेड्डी। उसके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका था। उसने गांव वालों को बताया कि इन सारी घटनाओं के पीछे एक बुरी आत्मा कहा था, और तो और उसने उस बुरी आत्मा से बात भी की है। उस तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि उसने उस बुरी आत्मा को यहाँ से चले जाने के लिए मना लिया है, लेकिन एक शर्त है। वो बुरी आत्मा तभी वहाँ से जाएगी जब उस गांव के किसी एक आदमी की बलि दी जाएगी। ये बलि देने की बात आसपास के गांव में भी फैल गई। खबर फैलते फैलते वहाँ के लोकल पुलिस तक भी पहुँची। पुलिस ने सारे गांव वालों को वार्निंग दी कि किसी भी आदमी की बलि ना दी जाए। खास तौर पर उन्होंने कृष्णप्पा रेड्डी को भी वार्निंग दी कि आगे किसी भी आदमी की बलि ना दी जाए। अगर किसी भी आदमी की गुमशुदगी होती है तो उसका जिम्मेदार वही तांत्रिक होगा। कुछ दिन तो शांति से बीते, लेकिन कुछ ही दिन बाद पास के डिस्ट्रिक्ट चंद्रगिरी के एक गांव में एक घटना घटी। वहां एक महिला का लड़का उसी तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उसी गांव के पास हर सोमवार को बाजार लगता था। वो लड़का यही कह के अपने घर से गया था कि वो बाजार करके शाम तक वापस लौटा है, लेकिन वो शाम तक नहीं लौटा। दो दिनों तक उसकी माँ उसको जगह जगह ढूंढती रही। फिर उसने गांव वालों की मदद से भी अपने लड़के को जंगल में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। तब थक हार के
उसकी माँ ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ये बात जैसे ही थाने में मौजूद थानेदार को चली, उसने जल्दी से एक तांगा बुक किया और कृष्णप्पा रेड्डी के घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने कई घंटों तक उसके घर की तलाशी ली। थानेदार का अंदाजा था कि हो सकता है कृष्णप्पा रेड्डी ने ही उस लड़के की बलि दे दी हो और उसके घर पर जरूर कोई ना कोई अहम सबूत उसको मिल जाएंगे, क्योंकि कृष्णप्पा ने ही गांव में एक आदमी की बलि देने की बात कही थी। खैर, थानेदार को उसके घर में कुछ नहीं मिला। वो कृष्णप्पा को पकड़कर थाने में ले आए और उसे 9 दिन तक जेल में बंद रखा। 9 दिन तक कोई घटना नहीं घटी। फिर इस थानेदार को कृष्णप्पा रेड्डी पर दया आ गई और उसने कृष्णप्पा को 10वें दिन छोड़ दिया। कृष्णप्पा ने जाते जाते उस थानेदार से एक बात कही। वो बात क्या थी? उसने कहा, सियार भले ही कितना भी चालाक हो जाए, लेकिन वो गीदड़ को मात नहीं दे सकता। ये कहकर कृष्णप्पा रेड्डी तो वहाँ से चला गया, लेकिन वो थानेदार 1-2 दिनों तक यही सोचता रहा कि कृष्णप्पा ने गीदड़ उसको बोला है या फिर खुद को। उसको लगा जैसे कृष्णप्पा ने उसका मजाक उड़ाया है। खैर, उसके कुछ ही दिन बाद एक और औरत गायब हो गई। वो वाक्या भी कुछ इस प्रकार था। उस औरत का पति जंगल में मवेशियों को चराने के लिए सुबह निकल गया था। दिन में उसने अपनी बीवी से खाना पहुंचाने को कहा था, क्योंकि वो इलाका दोनों पति पत्नी का परिचित था। तो उन्होंने एक जगह को चुना जहाँ पर उस औरत को दिन के समय खाना पहुँचाना था। लेकिन दिन में वो औरत वहाँ नहीं पहुँची। उसका पति वहीं पर पूरे दिन इंतज़ार करता रहा। वो एकदम गुस्सा में आग बबूला हो रहा था। शाम को जब वो मवेशियों को अपने साथ लेकर वापस घर पहुँचा, तो उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए अपनी बीवी को ढूंढा, लेकिन घर में उसकी बीवी नहीं थी। तब उसने अपनी छोटी लड़की से पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। तब उसकी लड़की ने उसे बताया कि उसकी माँ तो दोपहर में ही उसके लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। तब इस आदमी के दिमाग में शक पैदा हुआ कि अगर वो घर से निकली तो वो मेरे पास तक क्यों नहीं पहुँची। अब उस आदमी का गुस्सा काफूर हो चुका था। वो दौड़ते दौड़ते कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी जंगलों में चीखता चिल्लाता अपनी बीवी को आवाज़ देता रहा, लेकिन उसकी बीवी नहीं मिली। ठीक उसी दिन एंडरसन पास के गांव में आए थे। उस गांव का नाम था नागरपटला। दरअसल एंडरसन वहां अपने एक दोस्त के साथ आए थे जिसका नाम था देव सुंदरम। ये दोस्त उनका बेंगलोर का साथी था और इसको एक अलग प्रकार की खांसी ने जकड़ लिया था, जिसके कारण वो कई दिनों से तकलीफ में था। कुछ सालों पहले एंडरसन और उसके परिवार को भी इसी प्रकार की खांसी ने जकड़ लिया था। तब वहाँ के एक डॉक्टर ने एंडरसन को सुझाव दिया था कि वो अपने परिवार के साथ ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर मौसम शुष्क हो। एंडरसन अपने परिवार के साथ नागरपटला आ गए थे और कुछ दिनों में उनको और उनके परिवार को इस खांसी से मुक्ति मिल गई थी। इस बार वो अपने साथ देव सुंदरम को लेकर आए थे। वो दोनों पास ही में एक रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। वो दोनों लोग शाम के समय बरामदे में कुर्सियों पर बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे और साथ ही चाय की चुस्की और बिस्किट सिगरेट का भी दौर जारी था। तभी एंडरसन ने वहाँ के केयर टेकर से उसका हालचाल पूछा, क्योंकि एंडरसन उसे पहले से ही जानते थे। उसके केयर टेकर ने एंडरसन को बताया कि उसका हालचाल तो सही है, लेकिन आसपास के गांव में पिछले 1-2 महीने से एक बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है, जिसने कई सारे आदमी औरतों को रहस्यमयी ढंग से गायब कर दिया है। एंडरसन ने अब उससे इन सारी घटनाओं को विस्तार में बताने को कहा। पूरी घटनाएं सुनने के बाद एंडरसन और देव सुंदरम ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये काम या तो किसी जंगली जानवर का ही हो सकता है या फिर किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले आदमी का। अगली सुबह एंडरसन ने आसपास के गांव के प्रधानों
और बाकी आदमियों को उस बंगले पर बुलाया और बारी बारी से उनसे उन घटनाओं के बारे में पूछताछ की। गांव वालों के मुताबिक ये सारी घटनाओं के पीछे कोई बुरी आत्मा ही थी, क्योंकि उन लोगों ने गायब हुए आदमियों के आसपास की जगहों का गहनता से निरीक्षण किया था, लेकिन वहाँ पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान उन लोगों को देखने को नहीं मिले थे, ना ही और किसी प्रकार के चिन्ह जैसे खून के थक्के या आधी खाई हुई लाश उन लोगों को वहाँ पर मिली थी। इसलिए उन लोगों का तर्क था कि यह काम किसी बुरी आत्मा का ही हो सकता है, लेकिन एंडरसन अंधविश्वास पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे। उनका तर्क था कि गांव वालों ने अच्छे ढंग से उन लोगों की खोजबीन नहीं की है, इसलिए वो लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बुरी आत्मा की आड़ ले रहे हैं। अक्सर गांव में इसी प्रकार से अंधविश्वास अपना घर जमा लेता है, जहां पर उन लोगों की बुद्धि और समझ दोनों काम करना बंद कर देती है, वहां पर लोग मान लेते हैं कि ये काम किसी बुरी आत्मा का है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। अंधविश्वास का मुख्य कारण साक्षरता भी था। उस गांव में एक आदि लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन इन अनपढ़ गांव वालों के सामने उनकी भी नहीं चलती थी। जब एंडरसन ने गांव वालों को कहा कि उन लोगों ने अच्छे ढंग से उन जगहों की जांच नहीं की है, तब वहां मौजूद गांव के कुछ लोग नाराज होने लगे और वो वापस लौट गए। बाकी बचे हुए लोगों से एंडरसन ने उन जगहों के बारे में पूछा जहाँ पर से वो लोग गायब हुए थे। अगले दिन एंडरसन अपने साथ अपने दोस्त को लेकर बारी बारी से एक एक जगह पर जाते जहाँ पर से लोग गायब होना शुरू हुए थे। उनका रोज़ सुबह और शाम के समय का यही कार्यक्रम बन गया था कि वो उन जगहों की पड़ताल करें जहाँ पर से लोग गायब हुए हैं। उन लोगों ने चारे के रूप में बांधने के लिए दो भैंसों को भी खरीदा और उन दोनों भैंसों को अलग अलग जगह पर बंधवा दी। एंडरसन और देवसुंदरम दोनों सुबह और शाम उन दोनों भैंसों को देखने जाते कि उनको किसी टाइगर ने मारा है या नहीं, और वहीं वो उन दोनों भैंसों को पानी और चारा डालाते। वहीं पास ही में एक नदी बहती थी जिसका नाम था कल्याणी। एंडरसन ने उस नदी के आसपास भी टाइगर के पंजों के निशान खोजे, क्योंकि नदी के आसपास की जमीन नरम होती है, जिन पर अक्सर जब जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं तो नरम भूमि में उनके पैरों के निशान छप जाते हैं। एंडरसन ने वहाँ नदी के पास की जमीन का मुआयना किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें केवल जंगली हिरनों, सुअर आदि के पैरों के निशान मिले, लेकिन बाघ या तेंदुए के पंजों का कोई निशान उनको वहाँ नहीं मिला। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। एंडरसन और देव दोनों लोगों को अभी तक टाइगर या तेंदुए की ओर इशारा करता हुआ कोई भी सुराग नहीं मिला था। आठवें दिन उन लोगों को एक अहम सुराग मिल गया। वो सुराग कुछ इस प्रकार मिला कि एंडरसन जिस बंगले पर रुके हुए थे उसी के पास एक गांव था, रंगम पेट। जैसा कि आप लोगों को मैंने शुरुआत में बताया था कि उस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में बांस के पेड़ पाए जाते थे, जिन्हें काटने के लिए सरकार की तरफ से ठेकेदारों को ठेका दिया जाता था। वहाँ रंगमपेट गांव में उन्हीं ठेकेदारों के बहुत से लेबर रुके हुए थे। उन लोगों को वहाँ से लगभग 2-3 घंटे पैदल जाना पड़ता जहाँ पर उन्हें बांस के पेड़ों को काटना था। आने जाने में ही 4-5 घंटे लग जाते थे, इसलिए ठेकेदार चाहता था कि उसके लेबर वहीं टेंट लगा कर रहे, लेकिन उसके लेबर वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस जगह पर वो लोग बांस के पेड़ काटने जाते थे वहीं से उनका एक साथी और एक व्यापारी गायब हो गया था। वो लोग मानते थे कि वो जगह भूतिया है। मजदूरों की जिद के कारण ठेकेदार भी इस बात को मान गया कि वो लोग रंगापेट गांव से ही रोज़ अप डाउन करें, भले ही काम कम होगा लेकिन उसके मजदूर सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह एक दिन वो लेबर वहाँ बांस के पेड़ काट रहे थे, तभी उनमें से एक लेबर को बांस की झुरमटों के पीछे एक बड़ा टाइगर दिखाई दी जो उसी की तरफ देख रहा था। टाइगर ने जैसे ही देखा कि इस लेबर ने उसको देख लिया है तो उसने उस लेबर पर छलांग लगा दी। उस लेबर के हाथ में
दराती नुमा हथियार था, उसने भी अपने हथियार से टाइगर की तरफ वार किए। उसके हथियार को अपनी तरफ आता देख टाइगर ने हवा में दिशा बदल दी और वो इस लेबर के दाहिने तरफ कूदा। ना ही टाइगर ने उस लेबर को छुआ था और ना ही उस लेबर के हथियार ने टाइगर को। उस लेबर ने चिल्लाना शुरू किया। अपने साथी को चिल्लाता सुन उसके साथी उसकी तरफ दौड़े। उन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही टाइगर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। आज टाइगर के हमले में वो बाल बाल बच गया था। सभी लेबरों को लेकर उनका ठेकेदार एंडरसन के बंगले तक पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एंडरसन को सारा वाक्या बताया। तो दोस्तों, इस कहानी के प्रथम भाग में यहीं तक। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कैसे एंडरसन ने उस रानी नामक टाइग्रेस को ढूंढ निकाला और सर्कस की टाइग्रेस कैसे आदमखोर बन गई थी। कहानी का अगला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसे भी ज़रूर सुनेगा। मिलते हैं जल्द दूसरे भाग में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।